नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक से उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आपके चार अध्याय खत्म कर चुके थे। लास्ट चौथा अध्याय था आपका वर्ण समाज और उपनिवेशवाद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस फिर किसी या फिर किसी स्टेट पीसीएस जैसे आपका एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी समय रहते हुए पढ़ लें। और वैसे तो आप कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ लें तो अच्छा है, अगर टाइम नहीं है तो 9 से 12वीं तो आपको जरूरी ही पढ़ना है, इसका कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहों की स्थिति के बारे में जानते हैं। बने रहिए अच्छे से धैर्य रखकर, और ऐसा कोई भी शब्द नहीं रहेगा इसमें जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य रखना होगा। पूर्वी गढ़वाल के बोगयाल में चरती भेड़ें हैं, दिख रहा होगा आपको चित्र, आपने भी अपनी जिंदगी में भेड़ें जरूर देखी होगी। बोगयाल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़ों में बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। आप भी जानते हैं कि जब कई जगह ऐसे भी हमारे यहाँ की ठंड में उस तरफ बर्फ जम जाती है तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है वहाँ घास होने का, और जैसे ही गर्मी पड़ती है तो बर्फ वहां से हट जाती है, वहां घास आ जाता है। तो पूर्वी गढ़वाल वही क्षेत्र है। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहां से वहां भर घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंती चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं? उनकी आमदनी के साधन क्या है? उनका अतीत क्या है? या फिर मैं एक बात कहूंगा, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम आपके यहाँ भेड़ बकरी और ऊंट लेकर बाहरी लोग आते हैं। देखा होगा आपने, ऊंट चराने के लिए आपके यहाँ आते हैं। तो वही लोग हैं घुमंतू लोग, इन्हें आप लोग पहले बंजारा भी बोलते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह अपनी रोजी रोटी के लिए जाते रहते थे अपने जानवरों के साथ। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बेले ही जगह मिल जाती पाती हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या फिर अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है हमें, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। ये स्थिति वैसी ही है कि आज के समय में जिस तरह मजदूरों की और गरीबों की कोई जान की कीमत नहीं रहती है, यानी कि इनकी भी अर्थव्यवस्था में कोई कीमत नहीं बरती जाती है। ठीक है, इस दुनिया में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व है, या आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत, उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़े
रेवड़ रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े झुंड रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए और यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी के गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो वे शिवालिक शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं और गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता है और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती है। सितंबर के अंतराल में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। इस बार भी वापस अपने जड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। इनकी स्थिति वैसी ही है बाढ़ वाले इलाकों के लोगों की जैसी स्थिति होती है कि जब बाढ़ का मौसम आता है तो वो अपने बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर बाढ़ हट जाती है फिर उसके बाद भी अपना घर वर परिवार लेके उसी जगह बस जाते हैं। तो इनकी भी स्थिति वैसी ही है। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। बेबी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापस में वे लाहौल लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहां से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर भी दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। यानी कि यही क्रम चलता रहता है उनका, ठीक है, फिर जाना फिर हटना वहां से। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ हम चले। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यही बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाह समुदायों में दिखाई देता है। यहाँ के भोटिया शेरपा किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाह थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह की जरूरत ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। या ऊपर कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। 1850 के दशक में जीसी वारंस ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन इस प्रकार किया था। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं।
गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं, तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं, दूध घी और मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीजें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं, कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हड़ियां लटका कर रोज बाजार चले जाते हैं। उनकी हड्डियों में दूध मक्खन और घी आदि होते हैं। वे सिर्फ इतनी चीजें ही बाजार में ले जा पाती हैं जितनी घर चलाने के लिए काफी है। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर प्रा ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, तो जहां उनकी भैंसों को ना केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है, और वे शीतोष्ण यानी कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किए रहते हैं। तो ये पूरा आपका जीसी वंश सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा 1850-55 में से लिया गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में, तो कहते हैं कि जो ग्रामीण है उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो एनसीईआरटी उन्हें कम समझ में, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा उन्हीं को समझ में आना चाहिए क्योंकि इन परिस्थितियों से वही गुजरते हैं, वो इन परिस्थितियों में पालन पोषण होता है उनका। आप समझ सकते हैं जिनका पालन पोषण इन परिस्थितियों में हो वो इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब गांव की समस्या हम शहर में बैठकर थोड़ी समझ पाएंगे, क्या समस्या है वहां रह रहे लोगों को ही पता होगा ना। तो इसी तरह इनका है ये चित्र, आप देख रहे होंगे। मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप यानी कि घर। गुज्जर गडरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते थे। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे, उसे बेचते थे। हाल के सालों में बसों और ट्रकों में भर कर भी दूर ले जाने लगे। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते, भैंसे से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। इस चित्र को आप देख रहे होंगे, ऊन उतरने का इंतजार, हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उहल घाटी। जो भेड़ होती है ना, इनके ऊपर जो बाल होते हैं उसे ही उतारना यानी कि उन्हें निकालना, ऊन उतरने का इंतजार होता है इसी के। फिर आपके कपड़ों के लिए, गर्मी के, अरे सॉरी ठंड के कपड़ों के लिए, ये आपके लिए जरूरी रहती है। फिर भावर ये शब्द नया आया है, इसका मतलब क्या होता है? गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगल का इलाका आपका भावर कहलाता है। बुग्याल, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान आपके बुग्याल कहलाते हैं। ठीक है, ये आप चित्र देख रहे होंगे, गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों धार से नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धोलाकर साफ किया जाता है। देखिए ढेर लगा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग पहाड़ों और मैदानों और रेगिस्तानों में। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धनगर महाराष्ट्र एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। धनगर 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ लोग भैंस भी पालते थे। धनगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ
कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों को का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धनगर कोंकण पहुंचते थे, उस समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। अभी आपने सोचा होगा, सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के जो सेब उत्पादक किसान हैं, उन्होंने मना कर दिया सरकार को अपना सेब देने। क्यों? क्योंकि पता है, व्यापारियों और किसानों के बीच एक तालमेल बैठ जाता है। एन वो कम पैसा देते हैं दाम, लेकिन क्या रहता है कि जब हमें जरूरत है तो व्यापारी हमारी मदद कर देते हैं, तो मतलब घर जैसा संबंध हो जाता है। तो ये चरवाहों में और जिस स्थान पर जाते रहते थे, उन स्थानों पर भी इनका घर परिवार जैसा संबंध हो जाता था। अच्छा, ठीक है, मैं एक आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप लोग इन सभी चैप्टरों को NCERT इन्हें कहानी का रूप देख पढ़ें तो शायद आपको बेहतर समझ में आ सकती है। इन्हें आपको रटना नहीं है, क्योंकि इसमें आप भी देख रहे हैं कि रटने लायक कुछ है भी नहीं है। तो आप एक कहानी का रूप देकर इसे पढ़ें, ठीक है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। इस चित्र देख रहे हैं आप, पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊंट हैं। ऊंट यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कंटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता है। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची बची रही ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेती को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम मिल होते थे। मानसून की बारिश शुरू होती ही धनकर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियां, भेड़ बकरियों, गडेरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ आपको कुछ नए शब्द देखने को मिले। रबी, जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, नहीं आप लोग रबी की फसल कहते हैं। खरीफ, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को आप लोग सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ। ठूंठ, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ें आप लोग ठूंठ कहते हैं। आपने देखा होगा गेहूं काट लेते हैं, उसके बाद जो ठूंठ रह जाते हैं वही है। यहाँ गुल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुर्मा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में भी तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चले देते थे। मॉनसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, तो वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। ये तो आप भी देखते हैं कि एक भैंस ऐसा ही पशु होता है कि जिसे पानी में हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पानी में भी आ जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि बकरी हो, भेड़ हो, इन्हें पानी में थोड़ी रख सकते हैं, ये उसके अनुकूल अनुकूल भी बनी भी नहीं हुई। चरवाहों में एक जाना माना पहचाना नाम आपको बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते थे। इन्हें तो आप भी जानते हैं अच्छे से। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरण हमें चरवाहा समुदाय की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में
बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गुल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे 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 छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं और थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जाकर जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। ये आपका फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन की ए जर्नी फ्रॉम मद्रास टू थ्रू दी कंट्रीज ऑफ मैसूर कनाडा कनारा एंड मालावा 1807 में ये लिखा गया था, उसी से लिया गया। इससे आप लोग भी सीख सकते हैं कि आप क्या देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्र में अगर खेती है तो काम है एक आदमी का, उसमें लगा हुआ है पूरा परिवार, तो इसका मतलब आपकी आमदनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि एक काम को जो करने में सक्षम है उसमें आप लोग 10-12 लोग लगा देंगे तो उसमें बढ़ने वाला कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि कोई भैंस पाल ले, कोई दूसरा काम करने, एक परिवार का मेंबर खेती करते रहे, तो इससे क्या होगा आपकी जिंदगी भी पल्ली और आपका आय का जरिया भी अलग अलग हो जाएगा और परिवार की सुख समृद्धि भी होती रहेगी। ये लोग यही करते थे आपके। राजस्थान में राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाहों का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राई का अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राई गांव का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपका एक साधन बंद हो जाए आय का तो दूसरा बना रहे, इसीलिए अलग अलग काम करते हैं। ये चित्र देख रहे होंगे आप, अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक। यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊंट पालकों को मारू, रेगिस्तानी लाइका और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि चरवाह चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते, उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते। उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्तों में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनकी उपजाऊ उन्हें उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही, ऐसे सारे काम करने पड़ते थे। ये देखिए चित्र दिख रहा है आपको, पश्चिमी राजस्थान में बालतोरा बलोतोरा स्थित ऊंट मेला है। ऊंट पालक यहीं ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए आते थे और मेले में मारू राई राई का ऊंटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते थे। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते थे। समझ रहे हैं आप? आइए अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। क्योंकि अंग्रेजों ने हर किसी का, चाहे किसानों का हो, आपका आदिवासियों का हो, सबका जीवन में कुछ ना कुछ फेरबदल हुआ है। पुष्कर का ऊंट मेला आप ये देख रहे होंगे, बहुत फेमस है पुष्कर का ऊंट मेला, ये आप देख रहे होंगे। मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है।
इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है, ये भी आप देख रहे हैं। इस चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे उनके गांव कच्छ की रण में स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लग गईं। उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि, यानी कि जो टैक्स वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि कर दी गई, यानी कि बढ़ा दिया गया। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा, उनके पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इस बात से आप लोग परिचित होंगे कि आपके किसानों की जिंदगी में दखलम दिया गया। जो आपके आदिवासी हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, उनकी भी बंदिशें, उनकी भी आने जाने पर रोक लगा दी गई अंग्रेजों के आने के बाद। तो स्वाभाविक सभी की जिंदगी, हमारे भारतीय जितने भी समुदाय थे सबकी जिंदगी पर असर पड़ा इनके आने के बाद। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ आखिर। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देनी चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना नहीं, इसमें जूट पटसन, यानी कि जूट पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन पर कोई मतलब समझ में नहीं आता था, उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानून के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी थी। जो पहले आपकी बेकार भूमि होती थी, बंजर भूमि होती थी, पहले वो डली रहती थी तो उस पर आपके पशु पालन होता रहता था, पशु चलते रहते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उस जमीन को भी हड़पने लगे, उस पर भी खेती करवाने लगे ये लोग। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई। इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे में कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीनें चारागाह की थीं, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों को के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपले, यानी कि जो नई उसमें से कोपल फूटती है, वो नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों की के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियम में ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी, यानी कि आजादी उनकी पूरी तरह से छीन ली गई। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी। वह जंगलों में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक
नहीं रहे सकते थे। भली हो आज चारा कितना ही हो, घास कितना भी क्यों ना हो, और चारों तरफ घनी हरियाली हो, इसलिए निकलना पड़ता था, क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय 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 सीमा पर का उल्लंघन करते तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता। जैसे आप लोग उस तरह से लग सकते हैं कि आपके यहाँ कोई ठेका होता है तो उसे एक समय सीमा के लिए ठेके पर दिया जाता है, उसके बाद उससे वापसी ले लिया जाता था। तो ये स्थिति वही थी। और एक बात याद रखिए, यही जो कारण है, यही आपके आगे विद्रोह आंदोलन के कारण बनेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप किसी की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी करेंगे, एक सिर से ऊपर हो जाएगी उसकी, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसमें तीसरी बात क्या थी? अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलने लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइशें और खेतों पर उनकी अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था। जो एक जगह टिक कर रहती हो, ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतू को अपराधी माना जाता था। 1881 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात अगर हम बात करें तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर चरवाहों वही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता। ठेकेदार पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए भी जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे इनसे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दी। हर एक चरवाहे को एक पास जारी किया कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के पास के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात का उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। आप ही समझिए कि इस समय आप लोग पशु पालते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो क्या आप लोग करेंगे? बगावत ही करेंगे ना, आपकी जिंदगी कैसी रह जाएगी? इस पॉइंट भी दिए गए हैं, नहीं भी देख लेते हैं। H.S. गिब्सन वन उप संरक्षक दार्जिलिंग ने 1913 में लिखा है, चरवाहों के लिए प्रयोग किया जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो वन उत्पाद होते हैं। नए शब्द क्या? परंपरागत अधिकार, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में आदिवासियों का परंपरागत अधिकार हुआ करता था, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती थी। उसके बाद अंग्रेज आए, उनकी जिंदगी में देख भी दखलंदाजी देना शुरू कर दिया। आप सोचिए कितना
किसी भी राजा महाराजा ने उनकी जिंदगी से में दखलांदाजी नहीं की, आदिवासियों की जिंदगी में दखलांदाजी किसी राजा ने की, फिर चाहे आपकी मुगल सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत हो, कोई भी अभी तक जो भी हुए थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने उनकी भी जिंदगी में दखलंदाजी शुरू कर दी। इसे भी देख लेते हैं, 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग एवं कृषि प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चारागाहों के अधिग्रहण को की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल में भारी गिरावट आई है। अब पशुपालक पालकों को बड़े बड़े रेवड़ रखने में मुश्किल पैदा हो रही है, इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई है, उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई है, और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं उनके ऊपर। द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया 1928 से लिया गया, 1928 में ये रिपोर्ट आई थी। आगे चलते हैं हम लोग, इन बदलाव ने चरवाहों की जिंदगी किस तरह प्रभावित किया है उन्हें देखते हैं। इन चीजों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों की कुछ सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आजादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक जुत्तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह फिर से हरे भरे हो जाते थे। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले क्या हुआ था कि अगर जम्मू कश्मीर में जैसे ही आपका चारा मिलना खत्म होता था, वो नीचे चले जाते थे, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में चारा जब तक है वहां चराते थे, उसके बाद दक्षिण क्षेत्र में चले जाते थे, पूर्व क्षेत्र में, यानी कि उन्हें रोक टोक की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो कहीं भी जा सकते थे। अब आप ही सोचिए कि एक खेती पर हमेशा ही ये चारागाह बने रहेंगे, यानी कि पशु चरते रहेंगे, तो वहां उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि नई फसल वहां उग सके, नए कोई पौधे उग सके। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो बड़े कई तरह के उन्हें भोजन भी मिलते रहते हैं, तो वो पशु भी स्वस्थ बने रहते हैं। आप ही सोचिए कि डेली आपको चावल 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 खाने के लिए बोला जाए और दाल ना दिया जाए, फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी? तो इसी तरह इनकी जिंदगी में भी बदलाव होने लगा। देखिए, भारत में चरवाहा समुदाय, इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदायों एवं के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाय रहते थे। देखिए, ये आपका श्रीलंका है, अभी वर्तमान का ही बांग्लादेश है, भूटान है, यहाँ आपका म्यांमार हो गया, नेपाल, ये आपका ऊपर चीन है, पाकिस्तान, और यहाँ पीओके वाले हिस्सा आपका अफगानिस्तान से लगता है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए आप गुज्जर बकवाल, फिर यहाँ गद्दी, भूटिया, गुज्जर ही, आपका उत्तराखंड के पास बंजारे, राजस्थान, रायका, ये आपका मरुस्थली क्षेत्र, मलधारी, बंजारे, मध्य प्रदेश, धनगर, फिर दक्षिण भारत में कुरुम्बा हो गया, कुरुबा हो गया, कुल्ला हो गया, और आपका पूर्वी भारत में मोनपा हो गया, देख सकते हैं ये यहाँ की, ये आपका अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, ये आपका लक्षद्वीप, ये आपका अंडमान निकोबार। एक बार आप लोग सभी क्रम से सभी राज्यों को याद रख लिए ना, कौन कहाँ सा कहाँ है, राज्य है, किससे किसकी सीमा लग रही है, कौन से देश से हमारी सीमा लगती है, कितनी लगती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चरवाहों ने
इन बदलावों का सामना कैसे किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरवाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सके सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई रेखा सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे और जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती है तो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती थी ये खाद। ठीक है, समय गुजरने के साथ ही कुछ धनी चरवाह जमीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज कर पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों में या फिर छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहों ने न केवल आज भी जिंदा है बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। किनकी? चरवाहों की। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती तो वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारी परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ी में जिंदा रहने के लिए चरवाहे ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। इस बात को आप भी जानते हैं कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो आप दूसरा कोई धंधा अपना लेंगे, जो आपके धंधे में दखलंदाजी करने लगेगा कोई और आप उससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे तो आपके पास यही रास्ता बचता है कि आप दूसरा काम धंधा करने लगे। ठीक है, बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसावट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए उन्हें भी हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग अफ्रीका में चरवाहा जीवन के बारे में जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी ना किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें आपके बिदुइनिस, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोहरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध मांस पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर ये बदलाव क्या थे, चलिए उन्हें देखते हैं। ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये मसाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से भी इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते थे कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती।
ठीक है, आपको पता होगा अभी भी हमारे यहाँ के भी किसान गांव में आपने देखा होगा हल चलाने से पहले खेत की पूजा करते हैं, यानी कि पहले लोग कई लोग मानते थे कि धरती को दर्द होता है जब उस पर हल चलाया जाता है, तो इसी कारण कई लोग खेती भी नहीं करते इस समय, मतलब मान्यता थी प्रथा थी इस तरह की। अब तो सब प्रथाएं हम भूलते जा रहे हैं। ये है आपका अफ्रीका के चरवाह समुदाय, छोटी तस्वीर इंसेट मैकिनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाता है। देखिए आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ये बर्बेस, मोर्स, ताउरेक, बोदा, पेपोलानी, बेदोइन, कब्बाबिस, बेजा, डानान किल, सोमाली, हरेरू, तस्वान, चोलू, नामा, ये सभी यहाँ की आपके चरवाहा जनजातियां थी। इस तरफ आपका हिंद महासागर है, विक्टोरिया झील है, देख रहे हैं सूडान, इथोपिया, जायरी, तुर्कान, उगांडा, बुरान, सोमाली, सोमाली, केन्या, मसाई, तंजानिया, यहाँ आपका गांधी जी यहीं रहे थे, याद रखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में आपके गांधी जी भी गए हुए थे। आगे बात करते हैं इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं हम लोग। मसाई पशुपालन मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। देखिए यहाँ कहाँ है मसाई, इस तरफ पूर्वी, ये आपका पूर्वी क्षेत्र हुआ ना, ये आपका देखिए मसाई यहाँ है, इस तरफ यहाँ मसाई नाम के समुदाय चुन लेते हैं। मसाई पशुधन मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका में रहती थी। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते थे। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन और उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई। इन कानून के कारण सूखे क्षेत्र, सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरी तौर पर बदल गई, उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। बात करते हैं चारागाहों का क्या हुआ। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिनों सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों इस पीच तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानियान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी ना ही हरे भरे चारागाह। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट हो चुका है। आपने भी देखा होगा कि आपके यहाँ जब भू आंदोलन चला तो आपके भी जो किसान थे बड़े बड़े भूस्वामी थे वो बड़े चतुर थे। उन्होंने क्या किया कि दान में वो भूमि दी जिस पर खेती नहीं होती थी, जो खराब पड़ी रहती थी, तो दान का दान हो गया और खेती की खेती चली गई जो काम की नहीं थी। तो इन्होंने वही किया कि 60% हिस्सा कब्जा में ले लिया और वो कब्जा में लिया जो उपजाऊ था।
जो उनके लिए उपयोगी था, और बाकी का जो 40% था वो ऐसी जगह का था जहां उनके लिए उपयोगी नहीं था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। केन्या में मसाई मारावा सम बुरु नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का अपना आना माना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने डोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनेगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। तंजानिया के बारे में बात करें तो बेटेन से पहले विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में था। 1961 में उसे आजादी मिली। 1964 में जंजीवार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दे दिया गया, जिसे आप लोग तंगानिका कहते थे उसे अब तंजानिया कहा जाता है नया नाम। ये आप देख रहे हैं घास के बिना पशु मवेशी बकरियों भेड़ों कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाकों इलाका अम्बोसैली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग यानी कि लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किली मंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ना तो पीने के लिए और ना ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात आप समझ रहे होंगे, अभी भी आपका सबसे ज्यादा कुपोषण दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में ही फैला हुआ है, क्योंकि अभी भी यहाँ गरीबी छाई हुई है आपकी। और जितने भी आपके देश आजाद हुए आपके 1947 यानी कि भारत के आजाद होने के बाद ही हुए, 90 के दशक के पास, 1990-92 इसी समय बहुत कुछ देश आजाद हुए। ये देख रहे होंगे आप लोग, मसाई नाम मा शब्द से निकला है। मा साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते थे, जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क धूल भरे और बेहद गर्म हालत रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुवतीय वित्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य है। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। ये आपका लिया गया है द मसाई एसोसिएशन से, इसको लिखा गया है। यहाँ कुछ पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास ही में स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाके में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओकुलैंड की घुमंतू पशुपालक की शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें बंद क्यों किया गया। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते, ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका। हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे हैं, हम अपने जानवरों को अपनी भेड़ों और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं, ये सीमाएं हमें मार दे रहे हैं, जीना मुश्किल कर दे रही हैं। यह आपका नामीबिया स्थित काओकोलैंड कि चरवाहों का बयान है 1949 में। ठीक है, औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने, उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल
होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में काओक्लैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। जब तक कि बहुत खास हालत पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी ना किए जाएं। इस आदेश का मकसद इलाके के दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना, उन्हें काबू में रखना है, इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किए किसी भी हालत में जारी ना किए जाए। यह आपका काउकुलैंड परमिट टू इंटर मजिस्ट्रेट द्वारा उड़जो कमनजाप के पुलिस स्टेशन कमांडर को लिखा गया पत्र है। 24 नवंबर 1937 की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा और चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या इस समय बन गया। आगे बात करते हैं, सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह से के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से उपनिवेशी सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। यानी कि कुल मिलाकर आपके देश के चरवाहों और वहां के चरवाहों की लगभग लगभग समस्याएं एक जैसी भी हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के भी चरवाहे एक जगह की घास खत्म होने के बाद दूसरी जगह चले जाते थे उपनिवेशिक शासन के पहले। ठीक है, लेकिन उनके आने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार पार जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसे कड़ी सजा भी दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में वो कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय उपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध ना रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिरकार खानों से माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा होता था। इसे आप लोग इस तरह से रख सकते हैं कि मजदूरों आपके यहाँ जो गरीब हैं किसानों से, यानी कि इनसे दोस्ती करने में हर किसी कोई नहीं तैयार होता है, लेकिन इनसे संबंध बनाए भी आप लोग जीवित नहीं रह सकते। आपको घर बनाने से लेकर कोई भी काम हो मजदूर की जरूरत पड़ेगी। आपको फसल आप उगाते नहीं है, किसानों की जरूरत आपको स्वाभाविक सी बात पड़ेगी। यानी कि सीधा सा मतलब है कि ना चाहते हुए भी हमें उनसे संबंध रखने पड़ते हैं। यानी कि हमारे यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो ना चाहें फिर भी उन्हें गरीबों और किसानों से संबंध रखने होंगे, वरना उनका जीवन संभव नहीं है, क्या खाएंगे। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चारवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियां पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशियां चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। उपनिवेशित शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। ये उसी तरह से है कि आपके पास कई गाड़ियां खड़ी कर दी गई, आपको जाने के लिए आजादी है, लेकिन उसमें पेट्रोल डीजल नहीं है, यानी कि उसमें ईंधन नहीं है। तो इस तरह की आजादी की क्या मतलब है कि यानी कि सब कुछ दे दिया गया लेकिन हमें जाने की सुविधा ही ना हो। अब बात करते हैं जब चारागाह सूख जाते हैं,
सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती है और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर घर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं, वे यहाँ से वहीं जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपन पने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से भी बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि केनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़, 1,71,000 गधे थे। 1933 में और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से जानवर मर चुके थे। समझ रहे हैं? जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती रही। आगे बात करते हैं, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी एक आए बदलाव से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा यानी कि वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा भी करते थे। योद्धाओं में ज्यादा नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने, कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों की मवेशी छीन लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो, वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। आप लोगों को भी पता होगा, वैदिक काल में आपके यहाँ गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, यानी कि गाय का इतना महत्व था कि गायों के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। आगे आपका अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर काम करते थे। ये देख रहे हैं सुलाव, चिता, योद्धा गहरे लाल रंग की सुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं तथा तो स्टील की नोक वाला पौंच 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी से सवारे गए उनके भाले गैरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुहे करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते और लड़के पशुओं को चराते। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते थे। इसे देख रहे हैं इन चित्रों। आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है, हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इनके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में भी छापामारों की तरह दौड़ कर अपने आहासों में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों में नहीं गुजरना पड़ता है। आगे बात करते हैं, मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने
अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों, लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, उपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी, जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए, व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाहों और गैर चरवाहों बाई दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी तरह से घट जाएं, तो वे और जानवर भी खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। अब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था, तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तबीयत ज्यादा अच्छी थी, उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में भी काम मिल जाता था। आप लोग, इनकी हालत और हमारे किसानों की हालत एक जैसी लगती है। कि आपने देखा होगा कि एक परिवार पूरा खेती किसानी करता है, और जब आपका या तो मौसम खराब रहता है या फसल नष्ट हो जाती है, तो वो साहूकारों पर डिपेंड हो जाते हैं, यानी कि साहूकारों से ऋण लेने लगते हैं। अगर उसी जगह पर आप लोग, यानी कि वो किसान ये करें कि खेती भी करें साथ में पशुपालन भी करें, अगर खेती किसी कारण से खराब हो जाती है तो पशुपालन से भी तो आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर किसान क्या करते हैं, केवल कृषि पर निर्भर हो जाते हैं, और इसीलिए उनकी बुरी स्थिति रहती है। और आप जो अच्छे संपन्न घर के, मतलब संपन्न किसान देखते हैं, बड़े किसान हैसियत जिनकी पैसे में भी बढ़ चुकी है, आप पंजाब को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, यहाँ के किसान साथ में फसल भी उगाते हैं और साथ में आपकी गाय भैंस भी रखते हैं, दूध भी बेचते हैं। तो उनकी स्थिति आप देखते हैं। कि हमारे बुंदेलखंड के किसान की बात करिए, यूपी के किसान की बात करिए, बिहार के किसान की बात करिए, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों की बात करिए, तो यहाँ क्या होता है कि खाने के लिए भी अच्छे से पूर्ति नहीं होती है। और पंजाब के, हरियाणा के किसान हाथ के फॉर्चूनर से घूमते हैं, उनके बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो कई तरह के काम करते हैं साथ में। इस तरह मसाही समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया, यानी कि सामाजिक दूरी भी बढ़ने लगी। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है? इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया। जो चारागाह बच गए थे, वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते, वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं, और राहत और रियायत मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं, जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात की को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थी। जयपुर राजमार्ग पर राई का गड़रिये दिख रहे हैं। बड़ी सड़क पर भारी यातायात ने गड़रियों के नए इलाकों में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया।
आप लोग कहेंगे कि इनकी जंगलों से जाने से पेड़ नष्ट होते थे, जंगल नष्ट होते थे, ऐसा कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता था। क्योंकि आप सोचिए कि आज हमारी शायद पर्यावरण को दुगना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से इंसान बढ़े हैं और हमारी लालच बढ़ी है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है पर्यावरण को। लेकिन ये फायदा भी देते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पशुपालन होगा, जहाँ पशु जाएंगे वहाँ पेड़ों को खाद भी मिलेगा, तो अच्छा उपजाऊ पेड़ भी अच्छे तरह से उपजाऊ होंगे। तो इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख लेना, और आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया था, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आपकी जितनी भी अभी तक तो बुक्स खत्म हुई उन सब का टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख लें, जब भी टाइम मिले पढ़ते रहें। अगला छठवां चैप्टर हमारा होगा किसान और काश्तकार। किसान और काश्तकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है।